अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भोला जी पिजन क्लब अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम बैक करते हैं। उम्मीद है कि सब दोस्त फिट फट होंगे, खैर खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज व्हाट्सअप के पास आए हैं, आपको उनकी छत का व्यू दिखा रहे हैं माशाल्लाह। फिर कबूतरों का भी शौक कराते हैं तो फिर व्हाट्सअप से कबूतरबाजी की बातें भी शेयर करेंगे। देखें माशाल्लाह ये जाल है, ये देखें माशाल्लाह ये जाल का व्यू है दोस्तों भाइयों। तो ये माशाल्लाह ये ऊपर देखें, ये अड्डा है तो अड्डे पे मोजे भी काफ़ी होती हैं, पकड़ दगड़ चलती रहती है माशाल्लाह, कोई ना कोई आता रहता है, रौनक मेला लगा रहता है। और ये दो बट साहब के उड़ भी रहे हैं, देखे माशाल्लाह चेक करिए, ये जा रहे हैं, ये जुट फिर रहे हैं, ये ब्रीक आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए माशाल्लाह ये वो जा रहा है पर है जुट, बड़ा मज़ेदार जुट है। और ये बाहर का व्यू भी देखे माशाल्लाह, ज़बरदस्त व्यू है। ये देखें इधर से कबूतर हट के आता है और बड़े सुकून से बैठ जाता है, आप देख सकते हैं जैसे ही पीछे से लिफ्ट के आता है कबूतर तो फिर ये माशाल्लाह इस अड्डे के ऊपर आके ना चढ़ जाता है माशाल्लाह। बड़े बड़े सयाने कबूतर इस अड्डे पर चढ़ जाते हैं और बड़े ज़्यादा माशाल्लाह आते हैं कबूतर। और आपको अब कबूतरों का व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों भाइयों, ये कबूतर है माशाल्लाह बड़ साहब के, काफ़ी अरसे से रखे हुए हैं, इनका अच्छा शौक है माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं आप। ये देखें माशाल्लाह जोड़े भी हैं बीच में, उड़ने वाले भी है और सेटअप यही है। ये देखें दीवान साहब वाला सफ़ेद कबूतर बैठा दरवाजे के ऊपर, बड़ा कमाल कबूतर है जिसको ग्रीन कड़ी पड़ी हुई है। और दोस्तों भाई बाकी के अंदर हैं, ये देखें माशाल्लाह ये ऊपर भी बैठे हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इनका कुछ माशाल्लाह आपको पकड़ के परकुंदे का भी शौक वगैरह कराएँगे और बड़ साहब से गुफ्तगू करेंगे कबूतरबाजी के हवाले से, फिर माशाल्लाह क्या डिटेल बताते हैं फिर देखते हैं आपको, हमें शौक करा रहे हैं। देखें माशाल्लाह और अंदर से भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, ये देखें, ये देखें जी माशाल्लाह ये सेटअप है बीच ही में, जोड़ों वाले कबूतर भी बीच ही में माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ये अच्छे कबूतर हैं बड़ साहब के, काफ़ी टाइम कबूतरबाजी के अंदर बड़ साहब ने माशाल्लाह गुजारा है। देखें ये देखें माशाल्लाह, वीडियो एंजॉय करें, लाइक शेयर करें दोस्तों भाई, ये देखें माशाल्लाह। और ये देखें ऊपर भी रौनक लगी हुई है, ज़बरदस्त रौनक लगी है, देखें माशाल्लाह दोस्तों भाइयों, वीडियो लाइक शेयर करनी है दोस्तों के साथ, वीडियो एंजॉय करनी है आप दोस्तों भाइयों के लिए, हम ये विज़िट करते हैं और वीडियो बनाते हैं दोस्तों भाइयों, वीडियो को लाइक शेयर करा करें दोस्तों के साथ शेयर करा करें। ये देखें माशाल्लाह आपको कबूतरों का व्यू दिखा रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त कबूतर है माशाल्लाह। अब माशाल्लाह बड़ साहब के पास चलते हैं, इनसे कबूतरबाजी के हवाले से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। की हाल है बड़ साहब? ठीक ठाक हो माशाल्लाह। अल्लाह का करम, दुआवां ने तुहाडियां बाशो फिट फट, अल्लाह का करम, सब खैरियत है, अल्लाह का करम, फसल सब दोस्त सबाब ठीक ने। हां जी हां जी, ये बसाख आ गया, असू आ गया, हां जी हां जी, तमाम दोस्त शौकीन जेड़े ने जेड़ा शौक रखदे ने, शौक कर वैसे तैयारियां अपनी भरपूर कर रहे ने, बिल्कुल ऐसी तरह ही, जेड़ा तैयारी करेगा वही बिन होएगा इंशाल्लाह। हां जी हां जी, हर बंदा दा हर दाना भी पांदा है, शौक करदा और अपने पे तजुर्बे भी इस्तेमाल करदा, बिल्कुल ऐसी तरह ही। मगर गल है कि तजर्बे का मकसद यह नहीं है कि तुम मेडिसन कबूतर ज्यादा की जाए, जबरदस्त हम वह करो, कुछ एक परिंदा है जानवर है, अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल और नाना के वो प्यार करो कि तुम अपना आप दहावे कि मैं वाकई कुछ सर अंजाम तक पहुंचे और तुम उस चीज़ का मजा दिता है तो ता भी दिल खुश हो जाए। मैंने तकरीबन सर 40 साल हो गए कबूतरबाजी करते हुए, माशाल्लाह अपनी जिंदगी की बड़ी बाजियां, ये वो अच्छे उस्ताद है शिकायत पर रहे हैं, उस्ताद सन गड़ी चो शाह साहब अल्लाह नु प्यारे हो गए ने, अल्लाह पाक उन्हां दी माफ़ करे, गड़ी चो थाने बिल्कुल सामने सज्जा शाह साहब नाम से उन्हां दा, हां जी, मैं कह लो साहब का छोटा शिकर सुना दा, अच्छा अज मेरी कह लो 54 उम्र हो गई मेरी माशाल्लाह, मैंने कबूतर ना ऐसा लगन और प्यार है, वो सानू एक तफसीलन कबूतर समझाते से उड़ान तो पहले के बेटा इस वक्त कबूतर से उड़ाने ने उन्होंने बाहर कढ़ना है, जेड़ा पानी पी रहा ठीक है, उन्हें बिठ की किस किस्म की कीती, क्या बात है, ठीक है जबरदस्त, अगर कबूतर उड़ाया है कि गेड़ा भी कटिया दोबारा से छेड़ना नहीं गा,
क्योंकि बंदा बीमार हो जाता ना तो ओरा भी दिल नहीं करता बिलकुल ठीक है मेरी तबीयत ठीक नहीं गई जाने वाली अभी कम होता साडे दोस्त बाप के लोग ऐसे गए ने गाला कड़नी शुरू हो उड़िया नहीं फलान कपड़ा बनिया झंडी मारी उड़के कबूतर उत्थे गया और छोड़ा आया कि डिग पिया उड़के गाला कड़नी आया नहीं फलान नहीं है ऐ नहीं वेखना कि मेरी गलती की है शौक नहीं कहते कहते ज्यादती जानवर ज्यादती की जाती है बिल्कुल गल की है सर कि मेरे को माशाला कबूतर ऐसे ऐसे मैं अपनी जिंदगी लाइफ च बना ले गए कि मेरा इन्होंने बगैर गुजारा नहीं मैंने उन्होंने इश्क है जिम्मे जब तक मैं इन्होंने वेखना लवा इन्होंने मैं सेवा करना अच्छा खिलाना पिलाना जिम्मे बच्चे होंगे ने उस परवरिश कर रहा है तो मैंने अल्लाह के हुक्म मैंने अपने जोड़िया अपने जानवर यकीन है कि मैं शायद भी जिस गिफ्ट भी करना उड़ाना कबूतर तो मैं दोबारा रिटर्न लिए कॉल कर देंगे व्हाट्सएप तुहाडी मेहरबानी सानू एक बच्चा दिओ क्या बात है जी क्या बात है बच्चे ने यह काम किया मैं कोई बिजनेस नहीं करता मैं एक मजदूर आदमी है मजदूरी अपनी करना मगर गल है कि यह मेरा एक शौक है क्या बात इस शौक न मैं भरपूर रखा है और शौक ना कह लो कि मेरी जिंदगी का हिस्सा है क्या बात ठीक है और मैं तुम शौक भी करावगा भाई भोला मेरे दोस्त भी अच्छे और कह लो कबूतर भाई जी सीनियर भी असं इज्जत देने माशाल्लाह सीनियर है साढ़े कि तुम मैं शौक करावगा और इंशाल्लाह तुम शौक करोगे तुम्हारा दिल खुश होगा कि देखो पर कैसा है नोक चुंज कैसी है मैं गंद नहीं रखता ना मैं चीज का कम है ਆਈ ਬਰਸਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਢਾਬੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਤਲੇ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਮਖਲੂਕਾਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੁਬਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਸੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚਮਕਾਜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ ਫਲਾਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਆ ਗਏ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਲ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੱਛੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਓ ਪਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਰਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮਣ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁੱਡੇ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਣ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੁੱਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਵਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਜਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਗ ਨੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਘਟਾ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦੂਰ ਜਾਨਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਲਾਉਣਾ ਸੇ ਇੰਝ ਕਰੀਏ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰੀਏ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਉਸਤਾਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾ ਕੋਈ ਫਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮੇ ਕੋਈ 2-2.5 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਵੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗਦੀ ਦੀ ਵੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਖਵਾ ਲਓ अपने परिंदों का आपको शौक कराते हैं। लो दोस्तों भाई देखे माशाल्लाह बर्ड साहब 35 वाला कबूतर निकाल के लाए हैं और माशाल्लाह केड़ी जगह ते बच्चे शेयर करते ही मजांग है इनके बनोई साहब है माशाल्लाह उनको ये बच्चे शेयर करते हैं इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है बट साहब माशाल्लाह तेरा अख का शौक करवा दे कबूतर ये देखें दोस्तों भाइयों आँख का शौक करें जबरदस्त कबूतर है क्या बात है यार ये कांटे भी इसके चेक करें काली नोक है जबरदस्त कबूतर है 35 वाला जेन्युइन कबूतर।
फले का शौक रहो माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों भाई परकों का भी चेक करें, वाह जी वाह जबरदस्त कबूतर है माशाल्लाह जी। तबीयत खुश होगी दोस्तों भाई, वीडियो लाइक शेयर लाजमी करें, जबरदस्त क्या बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह क्या बात है। लो दोस्तों भैया पहले मैंने आपको नर का शौक कराया पैंती वाले का, ये इसकी फीमेल है, ये देखे माशाल्लाह मैं आँख का शौक कराता हूँ, ये देखे माशाल्लाह जबरदस्त फीमेल है, पहले आपको मेल का शौक कराया, ये फीमेल है जबरदस्त कबूतरी माशाल्लाह पैंतियों वाली, पल्ले का शौक करो। ये देखें दोस्तों भाइयों परकुंदा भी आप भाई चेक कर सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त परकुंदा है, क्या बात है माशाल्लाह ठीक हो गया सर। ये दोस्तों भाइयों ये भी बड़ा नयाब कबूतर है, दीवान साहब वाला है माशाल्लाह, बड़ साहब ने बड़ी देर से संभाला है इसका, हमें ये भी पता है माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है, इसकी आँख का आपको शौक कराते हैं। ये देखें दोस्तों भैया इसका रिंग डोर चेक करें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह रिंग चेक करें, इसकी ज़मीन नीचे वाली बेस चेक करें माशाल्लाह, वाइट नो वाइट कलर, ये दीवान साहब वाला बग्गा कबूतर है माशाल्लाह, बड़ साहब ने बड़े प्यार से रखा है पल्ला दबा माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों भैया परकुंदा भी चेक करें माशाल्लाह, अच्छे कबूतर हैं बड़ साहब के पास, क्या बात है माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों भैया ये कबूतरी है, पहले आपको नर का शौक कराया माशाल्लाह, ये पैर है पूरा, ये मादी की गुलाबी आँख है माशाल्लाह, चेक करें जबरदस्त हो गया बड़ा सा पल्ला दाम। ये परकुंदा माशाल्लाह चेक करें, देखें कैसे पर पे पर चढ़ा हुआ कबूतरी का माशाल्लाह, ये देखें घना पल्ला कबूतरी का जबरदस्त, क्या बात। लो दोस्तों भैया ये मोतियों वाला कबूतर आ गया माशाल्लाह, अब इसकी आँख का आपको शौक कराते हैं, जबरदस्त कबूतर है। ये देखें माशाल्लाह बिल्ला कबूतर है दोस्तों भैया, चेक करें माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है, ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, पलक चेक करें नोक चेक करें और इसके मोती चेक करें, बिल्ला कबूतर है माशाल्लाह जबरदस्त कबूतर, पल्ला दाओगढ़ साहब दोबारा फोन कर रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह परकुंदा भी चेक करें, जबरदस्त कबूतर है, क्या बात है सीना दाओ ये सामने वाला। ये देखें दोस्तों भाई ये मोती वाला बिल्ला कबूतर है माशाल्लाह, ये माशाल्लाह पहले आपको बिल्ले नर का शौक कराया, ये माशाल्लाह इसकी मादी आ गई है, इसका भी आपको शौक कराते हैं। ये देखें दोस्तों भाई ये मादी की भी आप चेक करें माशाल्लाह, जबरदस्त कबूतरी है, ये देखें माशाल्लाह क्या बात है, इसके भी रिंग डोरे चेक करें और बीचला इसका डाल, क्या बात है माशाल्लाह बड़े रिंग है कबूतरी की आँख के अंदर, पल्ला दावड़ सर। ये देखें माशाल्लाह ये परकुंदा भी चेक कर सकते हैं, पहले आपको बिल्ले कबूतर का शौक कराया, ये इसकी फीमेल है जबरदस्त है, परकुंदा चेक करें सातवां आठवां नौवां दसवां माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी कबूतरी। ये देखें दोस्तों भाई ये माशाल्लाह गोल्डन कबूतर है, बड़ साहब का बड़ा फेमस कबूतर है माशाल्लाह, इसकी आँख का आपको शौक कराते हैं, जबरदस्त कबूतर है। ये देखें दोस्तों भाइयों माशाल्लाह इसकी आँख चेक करें, बड़ी क्वालिटी है दोस्तों भाइयों आँख के अंदर, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें क्या जबरदस्त रिंग डोरे हैं कबूतर के, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, पल्ला दाओ बड़ साहब। अच्छा ये देखें जी माशाल्लाह बुरा मना रहा है, आपने काम ही पकड़ते हैं कबूतर, ये देखें जी माशाल्लाह ये गोल्डन सलारा कबूतर है दोस्तों भाइयों, परकुंदा चेक करें माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है, सीना दाओ ये सामने ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जबरदस्त कबूतर। ये दोस्तों भाइयों अभी नर का शौक कराया ये कबूतरी माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह मादी का भी शौक करें, जबरदस्त कबूतरी क्या बात है ठीक हो गया बस। लो दोस्तों भाइयों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों भाइयों, आपके साथ नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अजानों का टाइम हो गया, खुदा हाफिज़।